ये वीडियो पॉसिबली अब तक की आपकी देखी हुई बेस्ट कमेंट्री वीडियो होगी, तो आराम और दिमाग से इसे देखें। हाँ भाई पता है ना, अभिषेक ही जीतेगा, एलवी जीतेगा भाई। क्यों जीतेगा? क्यों नहीं जीतेगा भाई, वो शुरू से खेल रहा है। अबे तो एलवी को बुलाया ही बाद में भाई, वो दिमाग से गेम खेलता है ना अभिषेक। अबे तो गेम ही एलवी भाई की है, सिस्टम। अबे खाए का गेम, पानी में साबुन मिला दिया, पता तो चला नहीं। हेलो जी, नमस्कार। भारत के युवा बच्चे लड़ रहे हैं देख के बिग बॉस। घर में इनका बाप चिल्ला रहा है इनको इनके बेरोजगार होने की वजह से, माँ चिल्ला रही है क्योंकि माँ को नौकर समझा जाता है। घर की चिक चिक की आवाज़ कुकर की सीटी से ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन परिवार आवाज़ बढ़ा रहा है बिग बॉस का। बिग बॉस देखते हैं आप? अभी जो बिग बॉस चल रहा है वो देखते हैं? किसको सपोर्ट करते हैं आप बिग बॉस में? आप अभिषेक को देखते हैं? अभिषेक कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कौन जीतेगा भैया, अभिषेक या फुकरा? अभिषेक। अभिषेक जीतेगा। थैंक यू भैया। अभिषेक या फुकरा मैसेज जीतेगा? अभिषेक। भैया को ये भी नहीं मालूम था कि दोनों एक ही है। गजब डूबी बाज आदमी। बाप के पैसों पे पलने वाले दल्ले, 1.5 GB डेटा खत्म करने के बाद मोटिवेशन देखने वाले नल्ले, भारत के युवा जिनको आवाज़ उठानी चाहिए बेरोजगारी के खिलाफ, जिनको आवाज़ उठानी चाहिए सरकार के खिलाफ कि भर्ती क्यों नहीं निकल रही, 15 लाख में पटवारी का सीट कैसे जा रहा, वो भारत का युवा आज बैठ के वोट दे रहा है यूट्यूबर्स को। उसके लिए ज़रूरी नौकरी नहीं, जीतेगा कौन, एलविस या फिर फुकरा इंसान। पिछले एक महीने में यूट्यूब पे सिर्फ बिग बॉस और बिग बॉस ही चल रहा है। जितना वॉच टाइम बिग बॉस का नहीं आया होगा उससे ज़्यादा तो यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी है बिग बॉस पे उन पे। आयरनी यही है कि अब यूट्यूब की जनता ही बिग बॉस को देख रही है और उन यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रही है जो बिग बॉस में। जी हाँ, वही यूट्यूबर जो बिग बॉस को स्क्रिप्टेड, क्रिंज और इसके होस्ट को भी फुद्दू बोलते थे, पर अब ना ये यूट्यूबर क्रिंज है ना ये शो स्क्रिप्टेड। ये यूट्यूबर्स ही अब आरोपी है, और आरोपी के साथ क्या होना चाहिए वो तो पुलिस बताएगी। आरोपी, यूट्यूब की ऑडियंस और यूट्यूबर्स जो पहले बिग बॉस को रोस्ट करते थे, कहते थे कि ये तो क्रिंज है, स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस में वही लोग जाते हैं जिनका टाइम खराब चल रहा होता है। अगर ऐसा ही है तो क्या मजबूरी थी फुकरा और एलविस की? अभी अभी किसको देखती है बिग बॉस में? अभी मैं मनीषा रानी को देखती हूँ। अभिषेक नहीं पसंद? वो भी पसंद है, बट एज अ फीमेल ऑफ कोर्स मनीषा रानी। तो ऐसे फीमेल तो जिया भी पसंद रहनी चाहिए ना? वो बहुत फेक है। पूजा भट्ट कैसी लगती है? अच्छे हैं बट बहुत ज्यादा मम्मी बनते हैं। एलविस कैसा है? वो तो टॉप पे है, ऑफ कोर्स फैन फॉलोइंग है तो जीतेंगे ही। बंदा कैसा है, बुरा ही कर दे यार, सिस्टम। तो जैसा कि आपने देखा कि सिस्टम बोल के इस लड़की ने एलविस का मजाक उड़ाया। मैंने मजाक नहीं उड़ाया, तारीफ है। सिस्टम कैसी तारीफ होती है। खैर, जिन रोस्टरों ने पहले बिग बॉस को रोस्ट किया, जिन रोस्टरों ने पहले बिग बॉस को रोस्ट किया, अपने दोस्त के जाने के बाद उन्हें इंक्लूडिंग मी वोट किया। 5 लोग जो है ये फाइनलिस्ट है, नहीं क्या किसी पुराने सीरियल शो में से उठाए हुए लोग। बिग बॉस 16 से साजिद खान को निकालने की बात हो रही है, सलमान भाई रिवाइटल के डब्बे लाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की। तो भाई जिनकी सारी मूवी 200 300 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। पहले सलमान को रोस्ट, उसके ऊपर एलिगेशन लगाना और बाद में उसी के शो के अंदर जाना। और चलो मैंने मान लिया कि यूट्यूबर के हिसाब से ये गलत नहीं है, लेकिन बिग बॉस हाउस में एंट्री लेने के पहले ही इन्होंने सलमान खान के ऊपर रोस्ट, बिग बॉस के ऊपर रोस्ट और अपने जो ट्वीट थे वो डिलीट क्यों किए। और आरोपी सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, उनकी जनता भी है। और ये पॉइंट रखने के पहले मैं चाहता हूँ आप लोग बायस नहीं, एकदम न्यूट्रल होके इस पॉइंट को समझे। पहले जब रोस्टर्स बिग बॉस को रोस्ट करते थे
तो ऑडियंस को ही मजा आता था। और आज के टाइम अगर कोई यूट्यूबर बिग बॉस में जाके किसी सामने वाले बंदे को प्रोवोक करता है, लड़ने के लिए उकसाता है, तब हमें मजा आता है। तब हम कहते हैं कि यार बिग बॉस के अंदर अभी तो मजा आएगा, बिग बॉस के अंदर लड़ाई देखने में ही तो मजा है। लेकिन सेम चीज जब कोई सामने वाला बंदा करता है, जब कोई सामने वाला बंदा किसी यूट्यूबर को बिग बॉस में प्रोवोक करता है, तो हम उसके इंस्टाग्राम पे जाके उसको गालियां देते हैं। हम लोग उसके खिलाफ ट्वीट करके ये कहते हैं कि इसको तो फुटेज चाहिए, इसलिए ये लड़ रहा है। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है कि जिस तरीके से दूसरा ग्रुप और बिग बॉस बायस्ड है पूजा भट्ट के लिए, उसी तरह हम जनता भी बायस्ड है यूट्यूबर्स के लिए। अगर यूट्यूबर गलत भी है तो नो मैटर, भाईचारा बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ जब इंडस्ट्री के लोग उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तब हमें उस चीज से ऑब्जेक्शन है। बिग बॉस की कोई फीमेल कंटेस्टेंट जो बेक बीचिंग करती है, लोगों को प्रोवोक करती है, लेकिन वो अगर यूट्यूबर्स के ग्रुप में है तो अभिषा #अभिया। लेकिन सेम हरकत अगर कोई फीमेल कंटेस्टेंट भी दूसरे ग्रुप की हमारे यूट्यूबर्स भाइयों के खिलाफ कर दे, तब हम उसके कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे गालियां डाल रहे हैं। अगर एक यूट्यूबर किसी बंदे को गेम के अंदर बेवकूफ का बच्चा कह रहा है, तब हम कह रहे हैं कि भाई मजा आया सिस्टम। लेकिन अगर सेम चीज अविनाश एलविश को बोल देता बेवकूफ का बच्चा, तो तुम्हें भी पता है उसके साथ क्या होता। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब की जनता अगर यूट्यूबर्स के लिए बायस्ड है, तो बिग बॉस और इंडस्ट्री के लोग पूजा भट्ट के लिए बायस नहीं। ऑब्वियसली उसके काफी सारे प्रूफ भी है। आप एक वीक कंटेस्टेंट को उसे सेव कर सकती थी ना, तो पूजा भट्ट उनको सीधे रिप्लाई करते हुए बोली, नहीं मुझे पता था आप लोग नॉमिनेट नहीं होंगे। अविनाश कंफ्यूज होके पूछे, कैसे? तो पूजा भट्ट बोली, मेरा इंस्टिंक्ट था, आई स्वेयर ऑन गॉड। भाई ये कैसा इंस्टिंक्ट है, मेरे को तो समझ नहीं आया। एक फैक्ट बताऊं, जितना तो बेबिका और जेद पर डे के हिसाब से कमा नहीं रहे होंगे बिग बॉस में, इससे ज्यादा तो नियॉन मैन वीडियो बना के छाप दे रहा है। मेन एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर बिग बॉस बायस्ड है पूजा भट्ट के लिए, तो हम यूट्यूब की जनता भी बायस्ड है अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के लिए। यूट्यूबर और उनकी जनता आरोपी है तो मुकदमा तो होगा, लेकिन ये कोर्ट नहीं है। अगर इन लोगों की तरफ से कोई वकील हो तो ले आइए। नमस्ते जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज क्लियर कर दूं कि जो पुलिस वाले कैरेक्टर में हिपोक्रेसी के एलिगेशन लगाए थे, वो दीप ने नहीं, वो लगाए थे दूसरे यूट्यूबर और ट्विटर्स के कुछ पेजेस ने। बिग बॉस की वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुई, और आज मैं रखना चाहूंगा तुम लोगों के सामने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन ऑडियंस। सही बताऊं तो मैं इंडियन ऑडियंस की हिपोक्रेसी को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। यहाँ की मोस्टली ऑडियंस सिर्फ एक सिंगल क्लिप या एक वीडियो देख के अपना ओपिनियन बना लेती है, एंड इट इज कम्प्लीटली ओके टू फॉर्म एन ओपिनियन। लेकिन वन साइडेड स्टोरी देखने के बाद ओपिनियन बनाना और सामने वाले को उस ओपिनियन की वजह से गाली देना, बुली करना, ये टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। इस ऑडियंस की टॉक्सिसिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब दूसरा यूट्यूबर बिग बॉस में जाने वाला था, तो सबसे पहले तो भैया भाईचारा, लेकिन विद इन अ डे सिर्फ कुछ ही क्लिप्स देख के इन लोगों ने अभिषेक को गाली देना चालू कर दी। अब दूसरी बात, जो आरोप यूट्यूबर्स पे लगे हैं हिपोक्रेसी के, क्या वो लोग हिपोक्रेट है या उन्होंने बस एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया? देखो, मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम पे यूट्यूबर्स की जो इंगेजमेंट है वो एक्टर से ज्यादा है, लेकिन यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है एंड बॉलीवुड एक इंडस्ट्री। सैड और सच्ची बात तो यही है कि आजकल तुम्हें हर एक नुक्कड़ पे, हर गली में एक यूट्यूबर मिल जाएगा। इवन यूट्यूब शॉर्ट जब से आया है, हर यूट्यूबर के पास मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। और वहीं दूसरी तरफ बिना नेपोटिज्म के एक्टर बनना, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना, काम मिलना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सुशांत सर हम सभी को याद है, एंड ऑनेस्टली मैं सही कहूँ तो एक टीवी एक्टर बनना भी बहुत ही टफ है, एंड वो भी डिजर्विंग होते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम पे एलविश यादव और फुकरा इंसान के वैसे भी डेली के व्यूज मिलियन से 1.5 मिलियन है। ब्रांड्स को मिला के वो डेली का कम से कम 1 लाख रुपया कमाते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो बंदा 1 लाख रुपये कमाता है, जिसकी पॉपुलरिटी वैसे ही इतनी है, वो बिग बॉस बिना किसी मतलब के जाता? ऑब्वियसली इसका रीजन है करोड़ों की डील और नई ऑडियंस के सामने एक्सपोजर मिलना। पिछले एक महीने से हम सभी ये लोग बोल रहे हैं कि भैया बिग बॉस को टीआरपी अभिषेक या फुकरा इंसान की वजह से मिल रही है। हम यूट्यूबर्स और यूट्यूब की ऑडियंस की वजह से इस बार बिग बॉस चल रहा है। लेकिन ऑनेस्टली बिग बॉस में जाने के पहले अभिषेक हो गया या पुनी सुपरस्टार हो गया, इन लोगों के लगभग मिलियन के अंदर फॉलोवर थे। लेकिन आज की डेट में विद इन अ मंथ इन लोगों के 1 मिलियन 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर बढ़ गए। ऐसा कैसे? इन लोगों को जहां 3 साल लग गए मिलियन फॉलोवर्स इकट्ठा करने के लिए, वहीं विद इन अ मंथ एक शो में जाने के बाद इन लोगों के 2 मिलियन फॉलोवर बढ़े। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी ना। इस चीज से ये भी क्लियर होता है कि बॉलीवुड
और ये जो शो है ये काफी ज्यादा बड़े यूट्यूब इंडिया के मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स जैसे भुवन हो गए, आशीष हो गए, हर्ष हो गए, ये लोग भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते किसी बॉलीवुड सेलिब के साथ कोलैब करने के लिए, उनकी मूवी प्रमोट करने के लिए। और इसका रीजन भी यही है क्योंकि एट द एंड इन लोगों का भी गोल है बॉलीवुड के अंदर अपनी जगह बनाना। और इस चीज के अंदर कुछ बुराई नहीं है, टिकटॉक भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था लेकिन रातों रात वो प्लेटफॉर्म गायब हो गया, एंड यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे में हर यूट्यूबर एक बंदा आर्टिस्ट है जो कि अपना एक बेटर फ्यूचर देखेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग भी किसी कंपनी में काम करते हो तो आप लोग भी एक कंपनी के अंदर पड़े नहीं रहोगे अगर उस कंपनी का फ्यूचर नहीं है। आप लोग भी बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर सैलरी के लिए कंपनी स्विच करोगे। बात हिपोक्रेसी की नहीं है, आज से 3 साल पहले किसी ट्रेंड पे मिल्क करने के लिए अगर कोई यूट्यूबर सलमान या बिग बॉस को रोस्ट करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज को मीन करता है एंड फ्यूचर में आने वाली वो अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा। दूसरी चीज कि सलमान को रोस्ट करके आप उसी के शो में गए, तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि सलमान उस शो का सिर्फ एक होस्ट है, मालिक नहीं। सलमान एक पेड एक्टर है वहां पे एंड एलविश यादव वहां पे एक पेड इन्फ्लुएंसर। लास्ट पॉइंट की जो रोस्टर और यूट्यूबर पहले बिग बॉस को रोस्ट कर रहे हैं, आज बिग बॉस के अंदर अपने ही यूट्यूबर भाइयों को प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये हिपोक्रेसी है? मानता हूं कि बॉलीवुड और बिग बॉस वालों के पास बहुत बजट है, सलमान को बुलाना, एलविश को बुलाना, फुकरा को बुलाना, इन लोगों को पर वीक पेड करना ये इजी तो नहीं है, लेकिन यूट्यूबर्स के पास अब रियल इंगेजमेंट है। यूट्यूबर्स की वजह से इनको जहां पे लाखों करोड़ों पैसा खर्च करना पड़ता पीआर टीम पे, वो चीज इन्हें आज हैशटैग, ट्विटर पे ट्रेंड्स, ये सब फ्री में मिल रहा है। जितने वोट्स इन्हें यूट्यूबर्स के आने के बाद मिले हैं इतने इनको पहले कभी भी नहीं मिले, और यही रीजन है कि आज के बाद जब भी बिग बॉस होगा तुम्हें वहां पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ना कोई यूट्यूबर देखने को मिलेगा। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है थगेश को बुलाना एज अ फुकरा इंसान का दोस्त। एट द एंड माय लॉर्ड, ये हिपोक्रेसी नहीं, ये टाइम के साथ मैच्योर होना और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना है। और मैं तो कहूंगा कि एक W है भाई पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, अगर एलविश या फुकरा में से कोई भी जीतता है तो। बट अभी सवाल यही है कि जीतेगा कौन, एलविश या फिर फुकरा इंसान? इस चैनल के ऊपर हम बायस्ड ओपिनियन नहीं देते भाई, तो अगर गेम के पर्सपेक्टिव से और न्यूट्रल होकर सोचें इतने टाइम तक, स्ट्रेटजी वाइज, प्रेजेंस ऑफ माइंड या टास्क को ले लो, फुकरा इंसान का परफॉर्मेंस सच में बेटर है, और इतने टाइम तक उन लोगों को झेलना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जो बंदा महीनों से इन लोगों को झेल रहा है, सब झेल रहा है, उसकी जगह अगर वाइल्ड कार्ड वाला बंदा जीतेगा थोड़ा तो अनफेयर होगा। तो फुकरा डिजर्व करता है जीतना, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि अगर फुकरा इंसान ना जीते तो ट्रॉफी एलविश लेके आए, क्योंकि कम्युनिटी में आनी चाहिए भाई ट्रॉफी। क्योंकि एज आई सेड, ये हिपोक्रेसी नहीं, अपॉर्चुनिटी है, ये बताने के लिए कि हमारा प्लेटफॉर्म कितना बेहतर है, टिकटॉक से बेटर है, और यहाँ के आर्टिस्ट डिजर्विंग है। और भाई ये तो मेरा ओपिनियन है, लोग तो अभी भी लड़ेंगे कि जीतेगा कौन, एलविश या फुकरा इंसान। अबे खाए का गेम, पानी में साबुन मिला दिया, पता तो चला नहीं। बिग बॉस हमें किस मोड़ पे ले आया, पता नहीं हाय नॉमिनेशन में कौन आएगा।